your fundamental love when you run away. It's not sweet, right? Who you looking for? Who's here to keep your head up? Killer, 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 bang, 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 bang. Killer, 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 bang, 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 bang. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर जादू। तो भाई लोग क्या हाल चाल है, बढ़िया हो ना हो। तो यार बात करते हैं यार आज के भाई साहब गेम प्ले टूर्नामेंट के बारे में। तो फिलहाल गाइस सीन क्या है यार, आज स्क्रम में भाई साहब हमें मिला था गर्ल्स गेमर से चैलेंज भाई साहब लॉस लियोंस आने का, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली रंजिश बन चुकी है भाई गेम के अंदर। तो फिलहाल सीन क्या होता है, हम लोग आते हैं तो वो लोग भी आते हैं, तो भाई हम लोगों का थोड़ा अलग अलग एंगल बन जाता है। तो फिर सीन क्या था यार, हम लूटा बाटी फटाफट करते हैं और अपनी टीम को मैं कॉल देता हूँ कि गाइज बड़ा बड़ा लूटो और मेरे आसपास रहो। तो भाई साहब मैंने बोल दिया गाइज शायद वो लोग उधर जा रहे हैं क्योंकि हमारे आसपास नहीं उतरे हैं। तो फिलहाल गाइज बंदे जिधर जा रहे हैं तो फटाफट लूटते हैं और लूटने के बाद में गाइज उनकी तरफ जा करके भाई साहब होल्ड करके बैठते हैं और देखो सीन। सो मेरी जान, मैं फटाफट लूट करने के बाद में यार सबसे ऊंची बिल्डिंग के ऊपर आ जाता हूँ, तो कि भाई यासनाया बोल रहा हूँ लॉस लियोंस की सबसे ऊंची बिल्डिंग मानी जाती है। तो क्योंकि ऐसी मानी जाती है क्योंकि भैया ये कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग है, तो भाई सब मैं ज़्यादा ऊपर तो नहीं जाता फिलहाल, यहाँ करके थोड़ी देर होल्ड करता हूँ। लेकिन गाइस अभी और भी तबाही होनी बाकी है, फिलहाल बंदे स्पॉट होते हैं और देखो। Watch out! सर गाइस यहाँ पर मैंने रिया को एक टोचन दिया और टोचन देने के बाद में मैं अपनी टीम को बोलता हूँ चलो भैया रस करो। तो भाई व्हीकल हमारे पास अभी नहीं होते, तो पैदल जाने में वहाँ तक थोड़ा टाइम लग जाता है, लगभग 200 मीटर था। तो फिलहाल गाइस मैं बोलता हूँ जितनी जल्दी से हो सके पहुँचो। लेकिन गाइस यार वो लोग घबरा चुके हैं क्योंकि भाई उनके मन में भाई रिवेंज लेने के लिए आ जाते हैं, चैलेंज तो दे देते हैं, लेकिन डॉक्टर जादू का भाई साहब दहशत घुस चुकी है अंदर ही अंदर। तो फिलहाल हम डरते नहीं है भैया, मरे या मारे घुसते हैं सीधे मुंह में। तो फिलहाल वही होता है हम घुसते हैं, लेकिन यार वो गाड़ी वाड़ी निकालने लगती है और जो सीन। ये साला रोड क्रैश करना खतरे से खाली नहीं है। सर गाइस वो लोग तो भाग चुके थे, तो भाई साहब जोन की तरफ, तो हम भी जोन में आते हैं। तो फिलहाल गाइस थोड़ा लेफ्ट रोटेट लेते हैं, वो राइट से निकले होंगे। तो फिलहाल गाइस इसी चक्कर से भाई थोड़ा सा दूरी हो जाती है, लेकिन हम आगे जाके कंपाउंड रोड में लुकते हैं और देखो। सो गाइस जैसे मैं इस कंपाउंड पे आया तो सामने भाई साहब मेरे को एक यूजेड भाई साहब गिली दिखी और मेरे टीममेट ने बोला गाइस वो भी यूजेड ही लेके निकले थे। तो मैं समझ गया ये भाई स्क्वाड है भाई साहब गर्ल्स लाइनअप वाली, जो कि यहाँ पर होल्ड कर रही थी, शायद हमारा ही वेट कर रही हो। लेकिन गाइस हम ऊपर आ चुके हैं, थोड़ा सा मस्ती करेंगे इनके साथ और देखो फिर क्या क्या ले रहे हैं। सर गाइस उनको इसको कहते हैं निडरता, उन लोगों के अंदर इतना डर है कि भाई इतना ओपन आने के बाद भी भाई वो लोग मेरे को मारना नहीं चाह रहे, और भाई साहब गाड़ी लेके भागने में अपना ही ज्यादा फायदा समझते हैं। वो समझ चुके थे अगर जादू को उंगली करेंगे जादू भाई साहब हमें रगड़ देगा। तो फिलहाल गाइस यार मैं सोचता हूँ कि एक बंदा भी इसका बचा होगा, तो भाई वो भी निकलता है अपनी भाई टूटी फूटी गाड़ी के साथ और मैं उसका पीछा करता हूँ, और मेरे टीममेट यार थोड़ा पीछे उलझ जाते हैं जिसका फ्यूल जाता है खत्म, और सीन देखो फिर क्या ही होते हैं। ये घर हाँ ये भी सही है। सो सीन यार गाइस क्या होता है, जोन कट जाता है और गाइस मेरे साथ रॉन रहता है और आरिफ मेरे आगे रहता है। तो आरिफ कंपाउंड पकड़ लेता है एक बहुत जैसे जैसे बहुत ही खतरनाक वाला, जहाँ पर वो सेफ हो जाता है, लेकिन हम तो ओपन हो जाते हैं। तो भाई साहब रॉन थोड़ा सा मेरी कॉल जो होता है मिस आउट करता है, वो सुनता नहीं है, गेम के बीच में पैनिक होने लगता है, तो उसी बीच देखो क्या ही सिचुएशन हो जाती है। और भाई साहब तुम्हारा भाई क्या ही इंटेंस सीन कर देता है यहाँ पर और क्या ही बंदों को मारता है। अब आपको देखेगा यहाँ से कैसे ही स्मोक का यूज़ करना और क्या है ग्रेनेड का और कवर का यूज़ करना होता है। तो फिलहाल गाइस देखो अभी सीन। तो ओपन कर दिया हूँ
ये पीछे से ये जेड आ रही। नेट मारो। तो जोन में हूँ, चेक में। बढ़िया, देखना बता। अरे यार, वॉच आउट, ये स्मोक करके खेलना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ये नीचे वाले माधर से पीछे आज गलत ना है। एक आ रही है क्या तुम? नेट है ही डाला था पत्थर पे सामने बंदा अपने, यहाँ पे इस पत्थर पे। मोली से चलेगा और ये मारता है उसने। क्या ना, नेड आएगा थोड़ा पीछे। अरे नहीं नहीं लास्ट स्मोक, ये भी खत्म स्मोक। लेपर्ड से ले लेगा ना अपने को। मैं निकलूंगा तो पिलाऊंगा। छोरी स्मोक, छोरी स्मोक, छोरी। रुके रुके, हो गया हो गया, वो खत्म हो गए। एक स्पॉट हमारे सामने आए। ये नीचे वाले आए थे ना ये लोग, भागो वहां से नेड़ आया। अरे क्या आ गया। So, अभी भी मेरे टीममेट जो निक्सन है उसने गलती किया कि आई विल एक्सप्लेन यू। मैंने उससे पहले भी कॉल दिया तो पहले भी मुझसे तकरीबन 20 मीटर की दूरी पे था। एंड गाइस, उसको मैं दोबारा भी मैं फाइट लेने में एंगेजिंग का, मुझे लगा मेरे पीछे है भाई। अगर हम ये वाले बंदों का निक्सन मेरे साथ होता तो भाई मैं उस बंदे को मार देता बहुत ही आसानी के साथ। दोनों बंदों को टीम मतलब पूरी टीम बाइपा हो जाती, इधर से आ रहे उधर से मैं, तो भाई ये चिकन हमारा था। तो भाई निक्सन भाई सब कॉल ही नहीं ले रहा था, पता नहीं ऐसा लग रहा था ईयरफोन ही नहीं लगा रखी, अपने मन से खेल रहा है जो भी है। तो फिलहाल गाइस ये सब गलतियां आपको नहीं करना है। आप अगर अपने लाइनअप में खेल रहे हो तो भाई साहब अपने आईजीएल की कॉल सुनो, जो भी कॉल दे रहा है लो भले को आप मारे जाओ वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको कॉल लेना बहुत ज़रूरी है। तो भाई वहां पर ये कॉल लेता तो शायद हम लोग पूरा चिकन उठा के जाते, वो भी 8-10 किल के साथ। तो फिलहाल गाइस यहीं देखते हैं अपना गेम प्ले। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो मेक श्योर लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेंगे। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, सब बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।